आज बनाएंगे बिरयानी के साथ खाने वाली बहुत ही स्पेशल चटनी। इसमें एक इंग्रेडिएंट मेन है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टमाटर लेंगे, जो मैंने 2 टमाटर लिए हैं। इसको मोटा मोटा चॉप कर लिया क्योंकि हम मिक्सर में ग्राइंड कर रहे हैं, तो मैंने 2 टमाटर लिए हैं। मैंने लहसुन के जवे लिए हैं जिसे अच्छे से छील लिया है, 10 से 12 होंगे, इसे भी ले लीजिए। 4 मैंने सूखी लाल मिर्च ली है, ये आप अपने तीखे के हिसाब से भी देख सकते हैं। 1/2 चम्मच जीरा लिया है और 1/2 चम्मच मैंने नमक लिया है। अब लेंगे इमली का पानी। आप देख सकते हैं मैंने इमली को पानी में भिगो दिया था। इसके मैं 3 से 4 चम्मच लूँगी, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको थोड़ा खट्टा कम पसंद है या नहीं, उस हिसाब से मैंने 3 चम्मच लिया है। अब डालेंगे सौंफ, जिसकी मैं बात कर रही थी, ये वो वाला इंग्रेडिएंट है। सौंफ बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है, इससे चटनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। आप देख सकते हैं चटनी बनकर तैयार है। मैंने इसको थोड़ा कम पीसा है क्योंकि थोड़ी मोटी मोटी होती है चटनी, तो ज़्यादा अच्छी लगती है बिरयानी के साथ। ये देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया बनी है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।